हेलो एवरीवन आज मैं पाइथन में डिस्कस करने जा रहा हूँ पाइथन का क्या क्या एडवांटेज है ओके okay. तो पाइथन का सबसे पहले मैं फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ कि पाइथन इजी टू कोड रीड लर्न राइट ठीक है पाइथन प्रोग्राम को लिखना बहुत ही आसान है कोडिंग ठीक है इसका साइज बिल्कुल स्मॉल होता है एक सिंपल अगर एक मैसेज को प्रिंट कराना है तो सी में तीन चार लाइन का कोडिंग आपको लिखना पड़ेगा सी प्लस प्लस में जावा में लिखना पड़ेगा ठीक है लेकिन पाइथन में एक सिंपल मैसेज प्रिंट कराना है तो प्रिंट और एक वेलकम मैसेज आप दे सकते हैं एक लाइन का कोडिंग हुआ ठीक है तो आप पाइथन प्रोग्राम एज ए बिगनर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आप इजी टू इंप्लीमेंट कर सकते हो आसानी से लिख सकते हो समझ सकते हो ठीक है सेकेंड इसका एडवांटेज है कि ओपन सोर्स एंड फ्री पाइथन हमारा ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको यूज करने के लिए पैसा पे करने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है? आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं ठीक है ठीके? जिस तरह से हमारा जावा ओपन सोर्स है उसी तरह से हमारा पाइथन भी ओपन सोर्स है ओके सपोर्ट फॉर जीवाई ये जीवाई को सपोर्ट करता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आप यहाँ पे जैसे जावा प्रोग्रामिंग में स्विंग कंपोनेंट्स होता है ए डब्ल्यू टी कम्पोनो होता है उसी तरह से पाइथन में विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए आप वाई कंपोनेंट्स यूज कर सकते हो रेडियो बटन यूज कर सकते हो चेक बॉक्स यूज कर सकते हो टेक्स्ट बॉक्स यूज कर सकते हो ठीक है तो पाइथन वाई मोड को भी सपोर्ट करता है दूसरा पाइथन हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी है प्रोग्रामिंग में है जो प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है और यहाँ पे प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हम क्लास ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एवेस्टेक्शन मैसेज पासिंग ये डिफरेंट टूल्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जिसको यूज करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मेन पर्पस होता है रियूजेबिलिटी और यूजबिलिटी कहने का मतलब वंस सोर्स कोड कैन बी री मल्टीपल टाइम्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप इनहेरिटेंस के थ्रू एक क्लास बनाकर उसके फीचर्स को आप इनहेरिट कर सकते हैं जो आप आगे ओप्स के टूल में देखेंगे पाइथन हमारा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ठीक है ओके इंटरप्रेटर इंटरप्रेटेड बाय नेचर नेक्स्ट पॉइंट है पाइथन हमारा इंटरप्रेटर बेस्ड है जैसे सी सी प्लस प्लस हमारा कंपाइलर बेस्ड है लेकिन पाइथन हमारा इंटरप्रेटर बेस्ड है ठीक है लाइन लाइन बाय कोड हमारा यहां पर क्या होगा इंटरप्रेट करेगा ओके okay? फिर है हमारा यहाँ पे हाईली हाईली पोर्टेबल हाईली पोर्टेबल कहने का मतलब कि पाइथन प्रोग्राम को आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट करा सकते हैं आप विंडोज मैक आप डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे पाइथन प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं एग्जीक्यूट करा सकते हैं डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज इसको यहाँ पर पहले से प्री डिफाइंड डेटा टाइप नहीं है पाइथन में जो भी डेटा टाइप क्रिएट होता है डायनेमिकली डेटा टाइप क्रिएट होता है ठीक है जैसे सी सी प्लस प्लस में है कि पहले इंट डेटा टाइप है फ्लोट डेटा टाइप है डबल डेटा टाइप है वेरिएबल यूज करने के पहले हम लोग वेरिएबल को क्या कर लेते हैं डिक्लेयर कर लेते हैं लेकिन यहाँ पर जो डेटा टाइप क्रिएट होता है वो डायनेमिकली होता है रन टाइम होता है इसलिए पाइथन को हम लोग क्या कहते हैं डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज एक्सटेंसिव सपोर्ट ऑफ लाइब्रेरी ठीक है एक्सटेंसिव सपोर्ट फॉर लाइब्रेरी कहने का मतलब पाइथन में बहुत सारा लाइब्रेरी मॉड्यूल है ठीक है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम उस लाइब्रेरी मॉड्यूल को क्या करते हैं यूज करते हैं ठीक है और पाइथन को बनाया ही गया है मशीन लर्निंग के लिए डेटा साइंस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आईओटी डीप लर्निंग इस सब में हम लोग इसको क्या करते हैं यूज करते हैं ठीक है पाइथन मोस्ट डिमांडेबल का कारण यही है कि मशीन लर्निंग के लिए डेटा साइंस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हम लोग पाइथन को यूज कर रहे हैं ओके okay. पाइथन हमारा केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिस तरह से सी सी प्लस प्लस हमारा केस केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसी तरह से पाइथन भी हमारा क्या है केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ठीक है तो आप समझ गए होंगे ये मेन फीचर्स था पाइथन का जो मैंने यहां पे डिस्कस कर दिया अब नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा हाउ टू राइट प्रोग्राम ठीक है हाउ टू एग्जीक्यूट पाइथन प्रोग्राम पाइथन प्रोग्राम कैसे इंटरप्रेट होता है उस चीज को हम लोग देखेंगे ठीक है थैंक यू ऑल ऑफ यू